नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जिसका नाम है अल्फा रेजिमेंट। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया के टॉप डिफेंस न्यूज के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। अल्फा रेजिमेंट, अर्न यूनिफॉर्म, अर्न रिस्पेक्ट, प्रेजेंस डिफेंस न्यूज। रक्षा कर्मियों पर बढ़ते खतरों के बीच इंडियन नेवी ने साइबर सुरक्षा चेतावनी जारी की। इंडियन नेवी ने अपने अधिकारियों को और उनके परिवारों को साइबर थ्रेट के प्रति सचेत किया है, क्योंकि साइबर क्रिमिनल अधिकारियों से खुफिया जानकारी निकालने की कोशिश करते हैं। यह एडवाइजरी तब जारी की गई जब DRDO के अधिकारियों ने खुद को इन मामलों में घिरा पाया है। न केवल सरकारी कर्मचारियों को ये थ्रेट आते हैं, बल्कि अब नौसैनिक और उनके परिवार को ये थ्रेट आ रहे हैं। इंडियन डिफेंस एक्सपोर्ट 16,000 करोड़ रुपए हुआ। भारत ने डिफेंस एक्सपोर्ट्स में एक नई मकाम हासिल कर लिया है। रक्षा मंत्रालय ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि भारत ने डिफेंस एक्सपोर्ट में 16,000 करोड़ रुपए के आंकड़े को छुआ है। डिफेंस सेक्टर में मेक इन इंडिया के तहत ये बड़ी कामयाबी है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि 23% वृद्धि देखी गई है और अब तक 85 देशों के पास भारत के हथियार पहुंच रहे हैं। भारत और अमेरिका के बीच रक्षा संबंध को मजबूत बनाने पर जोर। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन और पीएम मोदी के बीच 31 ड्रोन खरीदने और जेट इंजन पर बात हुई। दोनों देशों के नेताओं के बीच 50 मिनट से ज्यादा बात हुई। पीएम मोदी ने मंच से किया ऐलान, अफ्रीकी यूनियन अब बना G20 का स्थायी सदस्य। दुनिया भर के बड़े नेता लीडर्स G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने भारत पहुंचे हैं। पीएम मोदी ने स्वागत भाषण में मोरक्को में आए भूकंप को लेकर दुख जताया। उन्होंने मंच से यह ऐलान किया कि सबकी सहमति से G20 में अफ्रीकी यूनियन को स्थायी सदस्यता दी जाती है। भारत ने शुरू कर दी चीन ताइवान युद्ध की स्टडी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सेना के एक अधिकारी ने बताया कि अगर ताइवान और चीन के बीच युद्ध हुआ तो भारत पॉसिबल प्रतिक्रिया के बारे में स्टडी कर रहा है। आपको बता दें कि 6 हफ्ते पहले ही भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल सिंह चौहान ने ताइवान पर किसी भी युद्ध के लिए स्टडी या कहें जांच शुरू कर दी है। अगर ताइवान और चीन के बीच कम समय में युद्ध खत्म हो गया तो चीन के खिलाफ भारत के कड़े बयान ही काफी होंगे, लेकिन अगर ये युद्ध रूस यूक्रेन का रूप ले लेता है तो भारत को सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। चलिए दोस्तों, मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।